आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए। और अगर हम सभी अपने कैमरे को ऑन कर सकते तो बहुत बढ़िया होगा, हम उसकी आराधना में हम साथ में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम कुछ एक सुंदर से गीत को गाएंगे परमेश्वर। दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में दीप जला निहारो दर्शन को प्रभु दर्शन को, दीप जलाओ निहारो दर्शन को प्रभु दर्शन को, नाम रहे मन में नाम रहे मन में, प्रभु नाम रहे मन में, दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में सांझ सवेरे ये मन गाए, यीशु तेरा नाम प्रभु यीशु तेरा नाम, सांझ सवेरे ये मन गाए यीशु तेरा नाम प्रभु यीशु तेरा नाम, आन बसो मन में प्रभु आन बसो मन में, आन बसो मन में प्रभु आन बसो मन में, जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में हे प्रभु दाता विश्व विधाता, नमन करो प्रभु नमन करो, हे प्रभु दाता विश्व विधाता, नमन करो प्रभु नमन करो, राग जगे मन में अनुराग जगे मन में, राग जगे मन में प्रभु राग जगे मन में, दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में, मंदिर में दीप जले प्रभु नाम रहे मेरे मंदिर में। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं। आपने फिर से पिता परमेश्वर हमारे हौसले को बढ़ाया है और एक नई सुबह को पिता परमेश्वर आपने हमें तैयार किया।
हमारा बीता दिन बिना परमेश्वर जब आपके वचनों में था, आपकी उपस्थिति में था, हम धन्यवाद देते हैं कि वही बातें हैं जो आप हमारे मन में प्रभाव को डालता है। और खुदा आज का संदेश को हम समझे सीखे और पिता परमेश्वर वास्तविकता के विषय में पिता परमेश्वर जान पाए। हम ये सारी बातें अपने प्रिय बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को फिर से जय यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं कि हम सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन जब हम उसके संदेश को सुनने के लिए हम यहाँ पर तत्पर क्या हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, हम उसके वचनों को तैयार हो गए हैं। क्योंकि कई दफा हम इन बातों को भी देखते हैं कि और देखने के साथ साथ में हम सुनते भी हैं कि बहुत कुछ इस पृथ्वी पर है जो इन दिनों में होता है, उन दिनों के विषय में हम चर्चाओं को सुनते हैं और कई बार हमारे मनों में ये बातें आती है कि क्या असल में ऐसा होता है, क्या असल में ऐसी बातें होती है जो हम कई बार उसको सोचते हैं कि ऐसा भी कुछ है क्या जिसके विषय में लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। और आज का जो विषय है जिसको हम देखें तो सुपरस्टिशियस करके भी उसको बोला जाता है ना, जिसको अगर हम देखें तो सुपरस्टिशन जो शब्द है, जो एक अंधविश्वास का एक शब्द है जो सुपरस्टिशियस है, जो अगर हम उसके विषय में देखें हिंदी में तो जो है जो वहम को पैदा करता है, ठीक है। ये दोनों शब्द जो है वो अपने आप में अलग अलग शब्द है। एक शब्द में TION लगता है, एक शब्द में TIOUS लगता है ना। एक में उसका अर्थ होता है वहम को पैदा करना और एक का होता है अंधविश्वास को पैदा करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें एक दूसरे से जरूर रिलेटेड है जब हम परमेश्वर के विषय को देखते हैं। जैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी में हर एक चीज के विषय में हम लोगों को चुनाव दिया है ना। कई लोगों के विषय में हम लोगों को चुनाव दिया है, कई लोगों के विषय में हमें सिखाया है और कई विषयों के बारे में हमें कई चीजें समझने में कोशिशें की है कि हम एक दूसरी बातों को समझ पाए। जैसे कि अगर हम देखें तो इस दुनिया में जिस प्रकार से प्रकाश है या फिर लाइट है वैसा अंधकार भी है, डार्कनेस भी है ना। अगर हम देखें दिन है तो रात है और कई सारी ऐसी बातें हैं जिसके विषय में देखते हैं अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं, है ना। और उसी बात की और भी अगर हम देखें तो इस पृथ्वी में अगर हम देखें तो दो ही प्रकार की जो ताकतें हैं वो काम करती है, एक तो गॉडली है और दूसरी जो है वो डेविल है ना, शैतान की ओर से। और हमेशा इस संघर्ष में हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा संघर्ष करने वाला जो व्यक्ति है या इंसान है वो खुद स्वयं इंसान है ना, जो हमेशा अपने संघर्ष को इन दोनों बातों के बीच में अपने आप को संघर्ष में रखता है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के संदेश को जब हम सुनने जा रहे हैं तो हम कुछ बातों को देखेंगे कि हम किस रीति से, या फिर हम कई दफा लोगों के बीच में भी देखते हैं जो अंधविश्वास को हमारे मध्य में क्या होता है, दर्शाया जाता है, कई रीति से हम उन बारों में विचार करते हैं। और विचार करने के साथ साथ में ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कई दफा ऐसा नहीं, पर हम स्कूल में भी अगर होते थे तो हम अंधविश्वास के विषय में या फिर उस वहम के बारे में हम कई दफा सोचते थे। ये वैसा ही उदाहरण है कि अगर जब हम पहले स्कूल जाया करते थे और हमारे स्कूल जाने के साथ साथ में ऐसा हुआ करता था कि जब कोई ऐसा बिल्ली रास्ता काट जाती थी तो हम क्या करते थे, अपने आप को दो कदम पीछे कर लेते थे और दूर खड़े होके क्या करते थे, उस पत्थर को फेंकते थे, ठीक है। और पत्थर को फेंकते थे और उसके बाद में हम स्कूल जाते थे या फिर जहां भी हमको जाना है, हम एग्जैक्टली ऐसे ही करते थे। मैं तो लगभग ऐसे ही करता था क्योंकि मैं उस बिहेवियर में मैं आगे बड़ा हो रहा था, उस व्यवहारिकता में बड़ा हो रहा था। और कई दफा हम ऐसा ही करते हैं, हम अंधविश्वास की ओर जब देखते भी तो कहीं ना कहीं वो वहम हमारे मन में भी पैदा हो जाता है जिसके द्वारा हम ये सोचते हैं कि अगर क्योंकि हमारा जो झुकाव वो परमेश्वर की ओर भी है और वो संसार की उन बातों की ओर भी है, पर कई बार जो वहम को पैदा करने वाली बातें वो यही है कि अगर ऐसा हो जाए तो, है ना। क्योंकि जब हम सुपरस्टिशियस के डेफिनेशंस को भी समझते हैं तो वही बातें हैं कि जो इस डेफिनेशंस की ओर मैं बढ़ रहा था, मुझे एक बात समझ में आई कि इसकी डेफिनेशंस वही बताती कि जो
जो अंधकार को या फिर जो क्या बोलना चाहिए, अंधविश्वास के ऊपर अपने विश्वास को रखें, है ना? जो अपने अंधविश्वास के ऊपर क्या करे, विश्वास को रखे, वही क्या कहलाता है, अंधविश्वास या फिर वो वहम कहलाता है ना? और ये वैसी बात है जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि हम कई दफा ऐसा करते हैं, या फिर कई दफा हम ऐसा भी सोचते थे कि जब हम रोड से जाते हैं तो जो नींबू मिर्ची आपने देखा होगा, अगर उसके ऊपर आप अगर अपने पैर को रख देंगे तो आपको लगता था कि शायद, है ना, जो बुरी बातें हैं या फिर नेगेटिविटी है वो हमारे मनों में या फिर हमारे दिमाग पे क्या करेगी, काबू करेगी। पर ऐसा नहीं है प्रियो, जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो संपूर्ण विश्वास की ओर हमें दृष्टि कराता है, वो हमें प्रेरित करता है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें, परमेश्वर की ओर विश्वास को करें। और इस दफा भी है कि हमें कई चीजों को लेके अपने आप को सजग बनाना है, क्योंकि इस पृथ्वी में अगर हम देखें तो परमेश्वर भी अपने कार्य को करता है इस पृथ्वी के लोगों के लिए, और शैतान भी अपने आप को आकर्षित करता है अपने उस सेना की ओर बढ़ाने के लिए। तो ये विचार, जितने भी बातें हमारे मनों में आते हैं, ये हमारे लिए एक विकल्प के तौर पे कि हम किस तरफ अपने झुकाव के रखते हैं, या हम विश्वास की ओर रखते हैं या फिर हम अंधविश्वास की ओर रखते हैं। वैसे ही अगर प्रियो हम वचन की ओर जाएंगे तो हमें एक्सोडस में मिलता है, जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं तो निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय जब हम देखेंगे तो वहां पर अगर हम देखें तो फिरौन राजा के सामने जब मूसा और हारून खड़े होते हैं, है ना, मूसा और हारून खड़े होते हैं, तब वहां पर फिरौन जो राजा है वो कई सारी चीजों को वहां पर करता है। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय निकालेंगे तो वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है ना, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, निर्गमन उसके 11वां 7 के 11 में, तो फिरौन ने पंडितों को, टोना करने वालों को बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मन से वैसा ही किया, और उन्होंने भी अपनी लाठी को डाल दिया और वे अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठी को क्या करा, निगल गया। ठीक है, और जिन बातों की ओर हम आज के मुद्दे को रखते हैं, अंधविश्वास की ओर, और ऐसा नहीं है, उस दायरे में भी कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसके द्वारा लोग आश्चर्यकर्म या फिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि जब हम फिरौन के विषय में देखते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो बातें दी गई है, जैसे पंडित और टोना कहा गया, पंडित मतलब वही है जो कई सारी चीजों को जानता है, कई सारी चीजों को, ऐसा नहीं कि वो किसी धर्म को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। जैसे कि अगर हम जैसे प्रिस्ट देखें तो प्रिस्ट को यहाँ पर बताया जाता है कि वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से रिलेट करता है, अगर पंडित देखें तो वो हिंदुज्म से वो बिलोंग करता है, अगर बौद्ध देखें तो वो बुद्धिज्म से वो रिलेट करता है, पर पंडित का अर्थ यही है कि जानने वाला, है ना, वो कई चीजों को जानने वाला। तो वहां पर फिरौन भी अपने जादूगरों को इकट्ठा करता है और वो भी जादू दिखाते हैं, है ना, कि हम भी प्रभावशाली है। तब यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 के 21 पद में लिखा है, और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्र लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में क्या हुआ, लहू हो गया, मिस्र के जादूगर ने भी अपने तंत्र मन से वैसा ही किया, तब फिरौन का मन हठीला हुआ और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की नहीं मानी। तो यहाँ पर भी देखिए, हम मिस्र में भी जादूगर बसे हुए थे जिसको ब्लैक मैजिक बोला जाता है। ठीक है, मैजिक अलग होता है, जादू अलग होता है, ब्लैक मैजिक अलग होता है। ठीक है, जादू वही होता है जो हम कई दफा देखते हैं, लोग हाथ की सफाई के द्वारा क्या करते हैं, उस मैजिक को या फिर जादुओं को दिखाते हैं, जो हाथ की सफाई होती है, कई बार हमने देखा है कि वो कुछ या फिर कॉइन को उठा के अपने हाथ में रख लेते हैं, उसको गायब कर देते हैं, तो जो जादू दिखाते हैं वो खुद ही बोलते हैं कि ये कला है ना, कला है जो इल्यूशंस लोगों में पैदा करता है ना, वो वहां पर क्या पैदा करता है, वहां पर वहम को पैदा करता है, और वहम के द्वारा कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे ये इसके हाथ में कैसे चलेगा। ये वैसा एक साइंटिफिकली वहम है, जब हम अगर ताजमहल हम लोग देखने गए हैं, ठीक है, अगर जो लोग ताजमहल देखने गए हैं, तो जब उसको रेड फोर्ट से आप अगर ताजमहल को देखोगे तो वहां पर एक प्लेस है, जब थोड़ी सी पास मतलब उस रेड फोर्ट की बाउंड्री से अगर आप ताजमहल को देखोगे तो वो आपको बहुत दूर लगेगा। ठीक, और जब उस बाउंड्री से कुछ गज या फिर कुछ डिस्टेंस पर अगर पीछे जाके देखोगे तो जितने दूर वो हमको दिख रहा था, 3 गुना वो हमको पास में दिखेगा। ठीक है,
ये आई इल्यूजन इसको कहा जाता है, आंखों की वहम को वो पैदा कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ साइंटिफिकली बातें हैं जो इल्यूशंस के बारे में भी दर्शाती है, और कई बातें हैं जो ब्लैक मैजिक के बारे में दर्शाती है, जिसको हम काला जादू भी जानते हैं, ठीक है। और मैं इस विषय में आज के दिन में इसलिए चर्चा करना चाहता था क्योंकि कई दफा हम ऐसा ही करते हैं। ये वैसा ही उदाहरण है कि कई दफा क्रिश्चियंस लोग भी उस फेथ की ओर बढ़ते हैं जिस अंधविश्वास में वो कई बार जकड़े जाते हैं, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से मैक्सिमम लोग आते हैं वो ऐसी जगह से और ऐसी जगह से बिलोंग्स भी करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, झारखंड देखोगे, उड़ीसा देखोगे, छत्तीसगढ़ देखोगे, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व है कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का। और कई जब वो इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं या फिर समझ के भी वो कई रीति से अनजान बनने की कोशिश करते हैं और वो अपनी जिंदगी को एक अलग दिशा की ओर लेके जाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, ठीक है, हम कई दफा अपने गाड़ियों में क्रॉस को आगे रखते हैं, है ना, हम एक क्रॉस को वहां पर बिल्ड कर लेते हैं, और शायद कई बार लोगों को यही लगता होगा कि ये जो क्रॉस हमने रखा ये हमारी पूरी गाड़ी की क्या करेगा, रक्षा करेगा। और सडनली हम बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं कि जब वो गाड़ी निकलती है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर हम इस बात में सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, मेरी गाड़ी में तो ये लगा हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम उस अंधविश्वास के वहम को पैदा कर लेते हैं इस रीति से, क्योंकि परमेश्वर जो है वो वचनों से बातचीत करने वाला है। अगर आपने अपने परमेश्वर को अपनी जबान दे दी है तो परमेश्वर ने अपने आशीष को उसको दिया। अगर आपने अपनी गाड़ी को कहा कि परमेश्वर को कहा कि मेरी गाड़ी के संग साथ होना, आप उसके चारों ओर पर स्वर्गदूतों का बेड़ा लगाना, तो एग्जैक्टली परमेश्वर ऐसा ही वर्क करेगा, ना कि वो हैंडमेड चीजों पे परमेश्वर अपने फोकस को लगाएगा, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा हम लोग और भी उदाहरणों को देखते हैं, जैसे कई सारे क्रिश्चियंस हैं जो अपने पैरों में काला धागा बांध के रखते हैं, ताबीजों पे विश्वास करते हैं, अपने गले में काला धागा बांध के रखते हैं, और कई दफा उनसे अगर पूछा जाए कि आपने ये काला धागा क्यों पैर में बांध के रखा, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की है। मैंने एक बहन ने उससे पूछा था कि आपने ये काला धागा क्यों बांध के रखा है, ठीक है, तो उनका ये जवाब था कि मैंने इसलिए बांध के रखा है क्योंकि मैं बहुत भागती हूँ, ठीक है, मतलब मन ज्यादा विचलित होता है इसलिए उन्होंने बांध के रखा। ऐसे ऐसे उदाहरण जिसको शायद हम सुन के भी कई बार उस पर हम हंस सकते हैं, कई बार बड़े बड़े जोक भी बन सकते हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज हमें सजग करने, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है ना, और मंदिर में अगर परमेश्वर के वचन की ज्योति जलते रहेगी तो शायद हम अंधकार से और अंधविश्वास से और हमारे उस सारे वहम से क्या रहेंगे, हम लगभग लगभग बहुत दूर रहेंगे। और परमेश्वर यही बात आज हमको सिखाना चाहता है। जिस रीति से हम देखते हैं कि वहां पर मूसा के यहाँ पर भी जो फिरौन है वहां पर भी जादूगर थे, पर परमेश्वर जो है वो अपने आप को वहां पर सिद्ध करता है, और सिद्ध इस रीति से करता है कि जब मूसा की जो लाठी रहती है जो वो वहां पर एक अजगर बन जाती है, वो डालता है, वो उन दूसरों की लाठियों को क्या करता है, निगल जाता है, वो दूसरे के अजगरों को निकल जाता है। मतलब परमेश्वर का ये जो काम है वो साधारण बात नहीं है जब हम परमेश्वर के निकट में चल रहे हैं, है ना। हम कई सारी बातों को देख सकते हैं क्रिश्चियंस की लाइफ में, हम नॉन बिलीवर्स की बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्रिश्चियनों के विषय में जरूर बातें कर रहे हैं जो अलग अलग रीति से क्या करते हैं, अपने समर्थन को उस अंधविश्वास में या फिर उस वहम में क्या करते हैं, अपने आप को सहभागिता दिखाते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि किसी के डोर पे घोड़े की जो नाल होता है उसको लगाया जाता है, कई दफा हम उसको देखते हैं कि नींबू मिर्ची को वहां पर टांगा जाता है कि किसी की नजर ना लगे, कई दफा हम इस बातों को देखते हैं कि अगर हमने कोई मिरर हमसे टूट गया होगा इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में कुछ बातें घटित होने वाली है, या फिर अगर हम किसी बौछार में हल्के से भीग गए इसका मतलब ये है कि किसी चिड़िया की क्या हो रही है, शादी हो रही है, ये हमारा वहम है। पर जब हम परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर एग्जैक्टली हमसे क्या कहना चाहता है। जब हम लेवी वचन देखेंगे, जब हम यहाँ पे लेव व्यवस्था, तो हमें पता चलेगा लेव व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसका 26वां पद, 19वां अध्याय उसका 26वां पद, और उसमें ऐसा लिखा है, तुम
लहू लगाए हुए कुछ मांस ना खाना, ना टोना करना, ना शुभ या अशुभ मुहूर्त को मानना। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ लेवी लेवियों का जो ग्रंथ है, लेव व्यवस्था है, उसमें ये बातों को कह दे रहा है कि क्या नहीं करना, तू लहू लगा हुआ मांस को ना कहना। इसका मतलब यही है कि कई रीति से जो बलियां होती है, उस बलि के बाद में भी लोग उस मांस को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद में लिखा है ना टोना करना। ठीक है, जादू टोना जितने भी होते हैं हम अपने एंसेस्टर्स के समय से सुनते आए, हमारे बाप दादाओं के समय से हम सुनते आए हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही है कि ना शुभ और अशुभ मुहूर्त को मानना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के समय में हर एक विश्वासियों के लिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं शुद्ध और अशुद्ध को लेके, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा डिपेंड की ओर लेके जाते हैं कि हमारे जीवन में शुभ कब होगा, अशुभ कब होगा, हमने तो ये कर दिया, हमने तो बिजली का रास्ता काट दिया। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। ठीक है, आप इस बात को सोचिए कि एक बिल्ली है और एक तरफ आप हो, या फिर कोई भी मनुष्य हो सकता है, उन दोनों में से सबसे ज्यादा जो बुद्धिजीवी है वो कौन है, कौन हो सकता है? आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कौन हो सकता है, बिल्ली हो सकती है या इंसान हो सकता है, है ना? बिल्कुल, जवाब हमारा यही होगा कि वो लगभग लगभग इंसान ही होगा, है ना? और इंसान के विषय में हम देखें तो इंसान हर एक चीज में अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, वो विचारधाराओं में, वो किसी को ब्लेम करने में, वो किसी को गाली देने में, वो किसी के प्रति गलत विचारधारणाओं को लेके, है ना? और ये बातें इसलिए कि बिल्ली को तो हमसे डरना चाहिए अगर हम बिल्ली का रास्ता काट दें, क्योंकि उसके लिए तो सबसे ज्यादा मुसीबत का कारण हम ही है। पर हम कई दफा इन चीजों में फंस जाते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दी और हमारे लिए अपशगुन होने वाला है। पर हर एक विश्वासियों के विषय में परमेश्वर यही कहता है कि परमेश्वर के निकट में अगर हम हैं, उस परमेश्वर हमारे मंदिर में वास करता है, तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो शुभ और अशुभ उनके लिए होता है जो उन बातों पर विश्वास करते हैं। पर हमारा जो विश्वास है वो उस जीवित खुदा पर है जिसने हमें रचा है, जिसने हमें अधिकारी बनाया है, जिसने ये अधिकार दिया है कि इस पृथ्वी की सारी वस्तुएं, सारे जीव जंतु क्या है, हमारे लिए परमेश्वर ने दी है। सारी व्यवस्थाएं परमेश्वर ने जब हमारे लिए दी है तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि जो जीवित परमेश्वर है, जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, वो सिर्फ हमारा क्या है, विश्वास का एक गढ़ है। वो विश्वास है हमारा, दृढ़ गढ़ है वो हमारा। एक वचन हम देखेंगे जब हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसका 31 से 32 पद तक। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय, उसका 31 से हम लोग 32 तक देखेंगे। और वहां लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले क्या करोगे, ठहरोगे। तब परमेश्वर, यहाँ पर अगर हम वचन की ओर गौर करें तो परमेश्वर ये बता रहा है और यहूदियों लोगों को, ठीक है, आज ये वचन जो है वो गैर यहूदी, यहूदी जो भी है सबके लिए है। और परमेश्वर कहता है कि यदि क्या करो, तुम मेरे वचन में बने रहो। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है एज इट इज, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, उसके डिसाइपल कहलाते हैं, उसके चेले कहलाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब उसके चेले कहलाते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ आजादी को देता है, वो हमारे उस बातों से आजादी देता है जो हमारे मनों में कई सारे वहम है कि प्रभु ये कैसे होगा, उसने मेरे विषय में जादू टोना कर दिया है, मेरे विषय में उसने ऐसी बातों को गढ़ दी है, उसने मुझे श्राप दिया है, उसकी जो जीवा है वो कई बार तो काली जीवान हो जाती है। पर परमेश्वर आपको एक वचन से यहाँ भरने वाला है, वो यही है जब 32वें पद में पढ़ते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। सत्य खुद परमेश्वर है यहाँ पर, मेरे प्रियो, सत्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जिसने हमें ये आजादी दी कि हम परमेश्वर के क्या हो जाए, डिसाइपल बन जाए, परमेश्वर के हम चेले बन जाए। चेले तभी बन सकते हैं जब हम उसके वचनों को क्या करते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलने की क्या करते हैं, कोशिशों को करते हैं। क्योंकि जब हम अप्रेरितों के काम में भी देखेंगे तो वहां पर 8वें अध्याय में जब हम देखेंगे तो वहां पर शिमोन करके एक जादूगर होता है, ठीक है, शिमोन करके एक जादूगर होता है। जब हम इसके वचनों को देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका
9 से लेकर 24 तक अगर आपको समय मिले तो वहां पर आप पढ़िएगा। तो वहां पर शिमोन नाम का एक जादूगर होता है जो फिलिपियस उसके साथ में बातचीत करता है, और वो कहता भी वहां पर कि वह मनुष्य की शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उसे अपने जादू के कामों के चकित कर रखा था कि उसे वो बहुत मानते थे, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर की बातों को जो फिलिपुस के जीवन में उन्होंने देखा उस पर विश्वास किया, तो जो यहाँ पर शिमोन था वो अपनी जादूगरी को छोड़ के परमेश्वर के पीछे क्या हो जाता है, चले जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के समय में ऐसा हो सकता है। मैं एक सिंपल सी बात आपको बता के मैं अपने संदेश को यहीं खत्म करना चाहूंगा कि एक दफा ऐसा हुआ, और ये मैंने अपनी आंखों से कही और सुनी गई और देखी गई बातें हैं। जब एक जगह मैं इस बातों पर चर्चा कर रहा था, तो एक बहन इस बारे में बता रही थी कि वो एक स्थान पर गई थी, बहुत अच्छी विश्वासी है वो, और वो किसी के घर पे गई थी और उनके बगल में कुछ चीजें हो रही थी। तो जिस घर में वो गई हुई थी उनके घर वाले भी बोले कि अरे बगल में प्रार्थना हो रही है, ठीक है, आप भी चलिए। तो वो बहन ने बोला कि ठीक है, मैं भी चलती हूँ और देखती हूँ कि क्या हो रहा है। तो वहां पर ऐसा हुआ कि एक लेडी थी, उस लेडी ने एक फोटो रखी हुई थी जो जीसस क्राइस्ट की थी, और वहां पर मदर मैरी की भी उन्होंने फोटो रख रखी थी, और उसके बाद में नारियल रख रखा था वहां पर, और बहुत सारी ऐसी बातें थी, लोटा रखा हुआ था, कुछ धुआं टाइप का वहां पर जल रहा था, ठीक है। और वो इस वहां पर है ना अपने आप को बैठा के रखी थी, उनके पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और वो इस बात को कह रही थी वहां पर कि इस घर में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा काला जादू किया गया जिसके कारण ये सारी चीजें क्या हो रही है, घटित हो रही है। और वो अपनी मुंडी को वहां पर घुमाए करती थी, अपने चेहरे को वहां पर घुमाए करती थी, वो कुछ नहीं बोलती थी, बस वो इतना बोलती थी कि जाओ उस किचन में, क्योंकि आप गाँव में देखते होंगे तो वहां पर मिट्टी के जो चूल्हा वहां पर बना होता है, और वो बोली वहां पर कि जाओ और उस मिट्टी के चूल्हा के जस्ट बगल में आप खोदो और आपको वहां से जो भी मिलेगा वो यहाँ लेकर आना। और इनफैक्ट वो बंदी वहां पर गई और उसने खोदा, और जैसे ही उसने खोदा तो उसे वहां पर एक पोटली टाइप की लाल पोटली मिली, और उसमें कुछ बाल थे, कुछ हड्डी के टुकड़े थे, कुछ ऐसी बातें थी, और वो उसको लाके दे दी। और उसने उस स्त्री ने उससे कहा कि एक काम करो, इसको जाकर है ना फेंको, और फेंकने के बाद में इसको पलट के मत देखना, ठीक है। और ये सारी चीजें, तो जो बहन वहां पर विश्वासी अपनी थी वहां पर, और उनसे जब ये बारे में चर्चा हुई तो मैंने उनके राय को पूछा कि आपको क्या लगा इस बारे में, तो उन्होंने ये बात कही कि ऐसा समय बिल्कुल चल रहा है जब परमेश्वर के जो दास दासी लोग हैं, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, वो भरमाए जाए, वो ऐसी रीति से वहां पर क्या करे, वहम को पैदा करे कि हमारा जो चुनाव हो, जो यीशु मसीह को लेके, परमेश्वर को लेके, जो पवित्र आत्मा को लेकर है, उस चुनाव में हम कहीं ना कहीं वहम को पैदा करें, दुविधा को पैदा करें कि सही और गलत क्या है, है ना, और ऐसी चीजों को, क्योंकि ब्लैक मैजिक के विषय में भी अगर हम देखें तो ब्लैक मैजिक इस संसार की पृथ्वी का जो हाकिम है, जो शैतान है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में अजीब अजीब कामों को करता है, है ना। और हमारा झुकाव हो सकता है कि गलत डॉक्ट्रिन्स की ओर चला जाए, जैसे बीते दिनों मैंने दूसरे यीशु के बारे में बताया, दूसरी प्रोफेसर के बारे में बताया, दूसरे ऐसी बातों के विषय में बताया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी चीजों से हमें सचेत रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमको पैदा किया था ना, तब ऐसा नहीं किया था कि हम कोई धागा बांध के अपने जीवन में लेके आए थे, ये आपको पता होगा। पर जब हमको परमेश्वर ने पैदा किया तो हम अपने बॉडी की अवस्था को देखें फिजिकली, तो हमारे ना तन पे कुछ कपड़ा था, कुछ नहीं था, हम टोटली रीति से हम क्या थे, एक न्यूट की अवस्था में थे। और ऐसी अवस्था में परमेश्वर हमको इसलिए बताना चाहता है कि जैसे भी तुम हो, वैसे परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वैसी अवस्था में परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि मेरे विश्वासी बनो, और इन सारी चीजों से हम क्या करें, बचे रहें यहाँ पर। और अगर हम देखें तो एक वचन निकाल के हम अंत करेंगे, पहला कुरंथियों उसका 6वां अध्याय उसका 19वां पद, पहला कुरंथी उसका 6वां अध्याय उसका 19वां पद, और उसमें लिखा है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। परमेश्वर यहाँ साफ साफ कहता है हमें किसी भी रीति से अंधविश्वास में नहीं रहना है। अगर मैं आपके विषय में
कई बातों को देखें हम अपने ही विषय में, तो हम कहीं ना कहीं इन सब चीजों में क्या करते हैं, अपने आप को फंसाते हैं। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि सो जाते हैं और हम प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु कल के दिन में मुझे पास कर देना, पर प्रभु भी वही कहता है कि परमेश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, है ना। हम पढ़ेंगे तब परमेश्वर मेहनत हमारी मेहनत पे क्या करेगा, आशीष देगा। तो हम ऐसी चीजों की ओर ना बढ़े जो हमें एक अविश्वास की ओर लेके जाता है या फिर वो वहम की ओर पैदा करता है, जिस रीति से आज हमने वचनों में देखा। हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर बढ़ना है। अगर हमारे घर में कोई भी ऐसे लोग हैं जो धागा बांध के रखते हैं, ये करके रखते हैं, वो करके रखते हैं, आप बिल्कुल उनको कहिए कि अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो हम इन बातों को सीखें कि किसी प्रकार का धागा या किसी प्रकार का ऐसा ताबीज या किसी प्रकार की ऐसी सुपरस्टिशियस चीज जो अंधविश्वास की ओर है, वो हमें परमेश्वर की ओर से क्या कर सकती है, दूर कर सकती है। इसलिए हम इन चीजों को उतार के फेंकें और हम परमेश्वर के सामने निरंतर वैसे ही आए जैसा परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में अभी कहा है कि परमेश्वर जो मनुष्य है वो परमेश्वर का क्या है, मंदिर है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर उसमें उठता बैठता और आप अपनी महिमा को प्रकट करता। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सभी को बहुत तायत की आशीष दे। और आइए हम अपनी आज के समय हम प्रार्थना करेंगे अंतिम। धन्यवाद देते हैं खुदा, आपने हमें फिर से पिता परमेश्वर आपकी हुजूर में लेके आया है। हम शुक्र अदा करते हैं खुदा कि आपने अपनी रहनुमाई पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर एक वास्तविकता में दी है। हम प्रार्थना करते हैं अगर हम किसी प्रकार के ऐसे संकोच में, परेशानी में या फिर कुछ ऐसी बातों में पिता परमेश्वर अपने आप को पाते हैं, तो हमें पिता परमेश्वर आप उस सत्य से पिता परमेश्वर आजाद करके हम आपसे लिपटे रहें। और जैसा आपने हमें बनाया प्रभु जी, हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि वही बात पिता परमेश्वर सबसे ज्यादा अनमोल हमारी जिंदगी में, जितने विश्वासी हैं हर एक विश्वासी को स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर, आपके वचन में ले चलिए कि हम सब मिल के पिता परमेश्वर आपकी महिमा में इसी रीति से जुड़ते रहे। हर एक बातों को आपके हाथ पर सौंपते हैं और ये दीन प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो सब में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु के आशीर्वाद वचन को ग्रहण करेंगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के दयाशु का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सभी के साथ बनी रहे, आमीन। सभी को जय यीशु सहाय। और इसी रीति से कल भी सुबह होगी, काफी लोग कम जुड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं क्योंकि कई लोगों के स्कूल कॉलेजेस सब कुछ शुरू हो चुके हैं, पर कोशिश कीजिए कि हम लोग उनको रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से हम उनको बीच में संदेश भेज पाए, है ना। और अगर कुछ ऐसी बातें रहें कि टाइम शेड्यूल को चेंज करने के बारे में, तो आप एकदम बेफिक्र होकर मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, समय को भी बदल के परिवर्तित कर सकते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आज के दिन आप परमेश्वर की